पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने उज्जैन आकर बाबा महाकाल के दर्शन किए, तो वहीं सांसद अनिल फिरोजिया के साथ भस्म आरती में शामिल होकर बाबा का अभिषेक किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने पंजाब की आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए उज्जैन आए दिल्ली के भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बाबा की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बाबा का पूजन अर्चन कर अभिषेक किया। मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने पंजाब की आप सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा खालिस्तानियों को सपोर्ट करने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का बॉर्डर स्टेट है, अगर आप सरकार के खालिस्तानियों का सपोर्ट किया तो देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा। देश आगे बढ़े और हम और मजबूत हों। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो मैंने उसी वक्त एक ट्वीट किया था कि उनको ध्यान रखना पड़ेगा जो एक खालिस्तानी एलिमेंट है, क्योंकि बहुत कुर्बानियां गई हैं तभी जो टेररिज्म या जो खालिस्तानी एलिमेंट थे उनको हम दूर रख पाए। लेकिन अगर उनके सपोर्ट से या फिर उनको सपोर्ट मिलता आम आदमी पार्टी की सरकार का, तो उससे ज़्यादा ख़राब कुछ भी नहीं हो सकता इस देश के लिए, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है वो। देखिए, मैंने देखी नहीं है कश्मीर फायर, तो इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। पूर्व क्रिकेटर एवं भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर सबकी सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं पंजाब में आप और खालिस्तान के साथ को देश के लिए खतरा बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, उज्जैन। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।